भाई संदीप रैंडी वांगा ने क्या करके दिखा दिया ये आज भाई सबको पता चला, क्योंकि इतना ज़बरदस्त उसने फिल्म बना दी है भाई। आपको याद होगा ना कबीर सिंह, कबीर सिंह में जो शायद कपूर ने प्रेजेंट किया था वो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो इतना ज़बरदस्त लुक दिखा के लोगों को शॉक कर दिया। यहाँ पे रणवीर सिंह को जो चॉकलेटी बॉय से जो एक ख़तरनाक रोल में उन्होंने ढाला है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसा रोल अभी तक किसी ने नहीं देखा था। एक संजू में उन्होंने देखा था एक ज़बरदस्त एक्टिंग करते, लेकिन संजू से नेक्स्ट लेवल बाप लेवल एक्टिंग यहाँ पे करके दिखा दी है रणवीर कपूर ने। और इतना वायलेंस, इतना ज़बरदस्त जो प्रेजेंटेशन किया संदीप रैडी वांगा ने भाई, सल्यूट है। और थिएटर में लोग पागल हो गए थे इसको, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप बने रहोगे और एक पलक भी आप नहीं झपकोगे और मूवी कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन बना के रख दी है और स्टोरी भी बहुत ही ज़बरदस्त, बाप बेटे की कहानी है। और फर्स्ट हाफ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा ड्रामेटिक होगा, इमोशनल टच के साथ होगा, लेकिन जो इंटरवल जहाँ पे होता है वो भाई सीन बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा इंटरवल आपने नहीं देखा होगा अब तक के जब तक आप मूवीज़ देखते हैं, ऐसा इंटरवल आपने नहीं देखा होगा। और ये मूवी भाई नेक्स्ट लेवल बना के रख दी है। इसका बीजीएम इतना ज़बरदस्त है जो आपको अलग ही लेवल पे ले जाता है और एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन देता है। रणवीर कपूर की एक्टिंग भाई बाप लेवल है, क्या बंदे का एक्टिंग स्किल आपको देखने को मिलेगी वो कमाल की होने वाली है। और अनिल कपूर का भी रोल कमाल है, आपको लगे कि क्या हो रहा है इस मूवी में। और बॉबी देओल भाई जितना भी उनका स्क्रीन प्रेजेंस रहा बहुत ही कमाल रहा है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी सभी ने। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको अलग ही एनर्जी देगी, मतलब आपके अंदर अलग ही जोश आ जाए इस मूवी को देखने के बाद। आप जब इस मूवी को देखोगे ना तो आपके अंदर खुद के अंदर एक एनिमल जानवर पैदा हो जाएगा और आप कहोगे क्या दिमाग में चल रहा है। तो ये मूवी आप 3 घंटे की मूवी होने वाली, लेकिन आपको 1% बोरियत नहीं होगी। फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगेगा लेकिन सेकंड हाफ जब आएगा तो अलग ही भाई लेवल रहेगा। और इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी रहेगा, वो भाई मज़ा आ जाएगा देखने। तो इस मूवी को आप देखने जाओ तो प्लीज़ एक ही जगह बैठे रहना बाबा, ये नहीं कि आप जा रहे हो बाथरूम, जा रहे हो पानी पीने, जा रहे हो कहीं सुसु करने जा रहे हो, तो ये सब मत करना। मूवी बिल्कुल एक बार जब एक बैठ के देखना और पूरी मूवी भाई इंजॉयबल होने वाली है। और इसमें रसिका मंदाना की अगर देखो वो ना भी होती तब भी मूवी ज़बरदस्त, उनका रोल इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे पूरी मूवी जो रणवीर कपूर ने दिखाया भाई वायलेंस, उनका बचपन की स्टोरी, फिर जो भाई कमाल है यार। तो इसमें कोई शब्द नहीं, बस यही मैं कहूँगा इस मूवी को जाओ थिएटर में एक्सपीरियंस करो भाई, मज़ा आपको आने वाला है हर एक शॉट में। और बॉबी देओल, अनिल कपूर, रणवीर कपूर इन सब ने जो काम करके दिखाया वो मज़ा आ गया। पहली बार इसका म्यूज़िक, इसका बीजीएम बहुत प्लस पॉइंट है। तो आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी प्लीज़ जाइए और भाई इसको इन्जॉय करना। ये अब तक की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली इस साल की, क्योंकि ऐसी मूवी आपने नहीं देखी होगी संदीप रैडी वांगा की। ये कबीर सिंह से टाइम टाइम बेटर है और भाई वायलेंस भर भर के, ए रेटेड मूवी है लेकिन फिर भी इसने जो एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड बनाया 33 करोड़ की इसने एडवांस बुकिंग कर ली थी, तो इसका कलेक्शन 60-70 करोड़ आने ही वाला है फर्स्ट डे। इस मूवी का बजट 100 करोड़ है, तो ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर ना सब्सक्राइब करें, मिलता है, थैंक यू सो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।